वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, निर्मला की रसोई आपका हार्दिक स्वागत करता है। आपने बाजार से बहुत सारी मिठाइयाँ खरीद के खाई होंगी, पर आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स से बनती है और ये आपके बच्चों की फेवरेट डिश हो सकती है और इसे आप टिफिन में भी बच्चों के बड़े आसानी से बना के दे सकती हैं, क्योंकि ये मिनटों में बनता है और इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब होता है। तो आप कैसे ये रेसिपी बनानी है उसके लिए चलते हैं वीडियो की तरफ। खोए का पराठा बनाने के लिए हमने एक कटोरी मावा लिया है, खोया जिसे हम कहते हैं, और उसी जितना खोया है उतना ही चीनी ली है। चीनी हमने पीसा नहीं है, साबुत चीनी का ही प्रयोग करेंगे। और ये दो बड़े चम्मच हमने नारियल का बुरादा लिया है और ड्राई फ्रूट में हमने काजू और बादाम को बहुत ही बारीक से काट लिया है। और आप चाहें तो अपने मन पसंद का पिस्ता अखरोट कुछ भी अच्छे से बारीक से काट के फिर उसे यूज कर सकते हैं। और हमने चार इलायची को कूट के बारीक पीस लिया है और बिल्कुल एक दो पिंच हमने नमक लिया है और दो कटोरी आटा गूंथने के लिए पानी और रिफाइंड तेल लेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। आटा में हम ये नमक मिला लेते हैं और ये दो चम्मच रिफाइंड तेल है, इसे भी हम इसे मिला के गूंथ लेते हैं और आप मिक्स करते हैं और फिर इसे जरूरत के अनुसार पानी मिलाकर हम नरम आटा गूंथ लेंगे। आटा हमारा बहुत ज़्यादा नरम होगा और ना बहुत कड़ा होगा, मतलब चपाती जैसा बनाते हैं चपाती से थोड़ा नरम आटा ही रखेंगे, क्योंकि हमें स्टफिंग भरनी है तो स्टफिंग के लिए हमें आटा थोड़ा सा चपाती से नरम लूज रखेंगे, तभी हमारी स्टफिंग अच्छे से बनेगी भर आ जाएगी और हमारी खोए के पराठे फटेंगे नहीं। आटा हमने गूंथ लिया है और इसे अब हम 15 मिनट ढक करके रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे और अब हम अपने स्टफिंग की तरफ चलते हैं। ये मावा हमने अच्छे से कद्दूकस कर लिया है और इसको हम एक बड़े बाउल में डालते हैं और साथ में ये हमने दो काजू मतलब तीन चार काजू लिए हैं और दो बादाम और इसको भी डाल देते हैं और ये इलायची चार इलायची के पाउडर इसको मिक्स करेंगे और साथ में ये नारियल का बुरादा इसको भी और इन सब को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप ये सोच रहे हैं कि हम चीनी नहीं मिला रहे हैं, तो मैं बता दूं कि यही मेन ट्रिक है कि खोए के पराठे बनाते समय हमें चीनी मिक्स नहीं करनी है, चीनी हमें साबुत ही ऐसे अलग से डालना होगा। अगर हम चीनी को खोए में मिलाएंगे तो ये कुछ देर में चीनी खोए के संग मेल्ट होके पानी छोड़ने लगेगा, जिससे हमारे खोए बनाने में अरे पराठे बनाने में दिक्कत होगी। और हमें चीनी को पाउडर भी नहीं बनाना है, क्योंकि अगर चीनी को पाउडर बनाएंगे तो भी हमारे पराठे बनाने में दिक्कत होगी। तो फिर हम 15 मिनट में आटा हमारा थोड़ा रेस्ट कर लेता है, उसके बाद हम फिर बनाना शुरू करते हैं। 15 मिनट हो गया है, हमारा आटा अब एकदम सही हो चुका है, अच्छे से लोचदार हो गया है और हम थोड़ा आटा लेके और साथ में इसमें थोड़ा सूखा आटा लगा के फिर से अच्छे से इसके पेड़े बना लेंगे। इसकी इस तरह से थोड़ी कटोरी बनानी है ऐसे,
ऊपर से तो थोड़ा मोटा ही रहे, बीच में भी मोटा रहेगा और किनारे यहाँ से थोड़ा सा पतला रहेगा। और फिर हम इसमें ये खोया का भरावन डाल देंगे और थोड़ा इसे हम प्रेस कर देंगे ताकि अधिक से अधिक खोया इसमें जा सके। और चीनी हम ऊपर से डाल देंगे, इसे खोया और चीनी का रेशियो बराबर रहेगा, और इसे फिर से प्रेस कर देंगे। और अब हम इसे थोड़ा इसे बंद कर लेंगे, ऐसे अंगूठे से इसको अंदर दबाते जाएंगे और ऐसे बिल्कुल इस तरह कर देंगे। और इसे हाथ से ही इसे हम कुछ बढ़ा लेंगे सूखा आटा लगा के, ताकि तो इसे थोड़ा सा सूखा आटा लगा के इसे हाथ से थोड़ा प्रेस कर देंगे ताकि स्टफिंग अच्छे से हर जगह फैल जाए। और थोड़ा फिर इसे बेलन से हमें हल्के हाथ से इक्वली चारों तरफ घुमा के बेलना है। और तब अभी हम पैन को भी गरम कर देते हैं, हमारा तवा गर्म हो चुका है। यहाँ हमने नॉनस्टिक तवा लिया है, आप चाहें तो लोहे के तवे पे भी बना सकती हैं, इजीली बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसी तरह हम दूसरा वाला भी बना लेंगे। बस ध्यान रखने की बात यही है, मैं इसकी कटोरी अच्छे से बनानी है। और फिर जितने चम्मच हम इसमें खोया डालेंगे उतने चम्मच चीनी भी ऐड करेंगे। और हमें इसे बहुत ही अच्छे से पैक करना है, हम इस लोइए को जितने अच्छे से पैक करेंगे उतने अच्छे से ये फूटेगा नहीं और बहुत इजीली बन जाएगा। और दूसरी ध्यान देने की बात ये है कि हमको ये जितना रोटी के लिए लोई बनाते हैं उससे बड़ी लोई बनानी है। और एक तरफ देखिए हमारा ये सिक गया है, और इस पे हम तेल लगा देते हैं। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रिफाइंड ऑयल का यूज करें, बटर का यूज करें, या फिर देसी घी का यूज करें, जो जैसा आपका इच्छा हो वैसा करें। और एक तरफ हो गया है, दूसरी तरफ भी हम रिफाइंड ऑयल लगा के इसे सेक ले रहे हैं, और अच्छे से इसका कलर आ जाए तब तक हम इसे, और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाएंगे, ज़्यादा तेज आंच पे सही नहीं होगा। और हमें दोनों ओर से अच्छे तरीके से पका लेना है। देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है इसका, और हमारे पराठे कितने फूले फूले बने हैं। तो ये जब आपको लगे कि एकदम बढ़िया अच्छा कलर आ गया है तब तक इसे आप मीडियम फ्लेम पे सेकें। ये हमारा पराठा बिल्कुल तैयार है और सर्व करने के लिए। अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में, और इसी तरह हम दूसरा वाला पराठा भी सेक लेंगे। ध्यान रखना है इसे बहुत ही हल्के हाथ से बेलना है, इस पर दबाव नहीं डालना है वरना स्टफिंग बाहर निकल सकती है। इसी तरह से हमें दूसरा पराठा भी सेक लेना है। और ये जब हमारे पराठे अच्छे सॉफ्ट बने, उसका कलर अच्छा आए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम ये जब पराठे थोड़े हल्के कच्चे रहें, बहुत ज़्यादा वो पक ना जाए, उसके पहले ही इसमें तेल लगा लेने हैं। कितने बढ़िया लाजवाब पराठे बन के तैयार हैं। उलट पलट के
दोनों ओर से खूब अच्छे से पका लेना है। ये पराठे बच्चों को बहुत ही पसंद आते हैं। बच्चों को आप लंच में भी आप इसे दे सकती हैं। ये बहुत ही हेल्दी पराठा होगा बच्चों के लिए, लंच के लिए। तो ये पराठा आप देखिए कितना अंदर से भी बढ़िया बना है। इसके लिए मैं इसे थोड़ा को काट के दिखाती हूँ अंदर से। आप देख सकते हैं ये अंदर से भी इसका जो स्टफिंग है कितना बढ़िया लाजवाब बना है। तो आप इसे देखिए और अपने घर पे ट्राई ज़रूर कीजिए इस पराठे को। मैं आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो इस रेसिपी को आप ट्राई कीजिए और अपने अनुभव मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।